स्वागत है आपका सिंह ऑटो जोन के फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुजुकी मोटरसाइकिल लिमिटेड, जो कि बिल्कुल उनके चेयरमैन ने कंफर्म कर दिया है कि वो उनका काम चल रहा है, R&D चल रही है एक बिल्कुल ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिकल स्कूटर पर, जिसको 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। कुछ अभी तक जो डिटेल निकल कर आई है उसके हिसाब से बिल्कुल वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आ रहेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप भी कुछ सर्च कर रहे हैं, आपकी कुछ प्लानिंग है, तो बिल्कुल हेल्प करेगी वीडियो आपको। चलिए शुरू करते हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के चेयरमैन ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल वो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए अपना स्पेशली एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर का R&D चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है, और 2020 में इसको लॉन्च करने की प्लानिंग भी है। ऑलरेडी सुजुकी का जापान में ईलेट्स के नाम से इलेक्ट्रिकल स्कूटर वहां पर सेल हो रहा है, लेकिन जो इंडिया में इलेक्ट्रिकल स्कूटर आएगा वो उसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल जो असेस है, असेस 125cc जो इनका ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी का प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा ताकि ओवरऑल कॉस्ट कटिंग की जा सके, क्योंकि ऑलरेडी सभी जो मेन स्ट्रीम कंपनी है वो सब अपने ऑलरेडी जिनके प्रोडक्ट है उसी के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। लाइक होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिकल वर्जन लेकर आ रही है, TVS जुपिटर का और हीरो ड्यूट का उसी प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स को बनाने जा रही है। बट उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल फ्रेश डिजाइन होगा स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ थोड़ा सा उन्होंने प्राइस का हिंट भी दिया है, वो कहते हैं बिल्कुल अगर ये स्कूटर एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ हाई एंड फीचर से लैस होगा, तो उन्होंने आइडिया भी दिया है प्राइस का, और वो प्राइस है 1,00,000। बिल्कुल दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि क्वालिटी एंड फीचर्स कम विद प्राइस। मेरे कई सब्सक्राइबर्स को लगता है कि मैं थोड़ा प्राइस ज्यादा बताता हूं, बट फिर से अब एथर का एग्जांपल लीजिए, आफ्टर सब्सिडी भी 1,20,000 का है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी कम है, उसके बावजूद क्योंकि वो उसका बिल्कुल परफॉर्मेंस, उसकी रेंज, उसके फीचर्स हाई एंड है, तो उसका प्राइस भी हाई एंड ही रहेगा बाकियों के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों अगर सुजुकी की बात करें, ऑलरेडी सुजुकी तोशिबा और डेंसो के साथ मिलकर 1,150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। गुजरात में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर प्लांट सेटअप हो रहा है, 2020 तक उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में कंपनी का बिल्कुल प्लानिंग यही है कि उसी प्लांट से निकली बैटरीज को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो कॉस्ट है, क्योंकि बिल्कुल मैं बार बार कहता हूं कि 40% कॉस्ट तो इन बैटरीज की है, तो ऐसे में बहुत 15 से 20% तक का फर्क पड़ेगा इनके कॉस्ट में, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्राइस अफोर्डेबल होगा। 2020 की बात कर रहा हूं, अगर आपको जल्दी है फिर तो आपके पास दो तीन ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बट अगर आप रुक सकते हो तो वेट कीजिए 2020 तक की दिवाली के आसपास, आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे विद अफोर्डेबल प्राइसिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके अलावा ज्यादा कोई अपडेट बैटरी पावर या मोटर पावर या उसका कुछ निकल कर नहीं आया है, जो भी अपडेट आएंगे बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। धन्यवाद।